भगवान कृष्ण के 10 यूनिक नाम। अपने बच्चों को दे इनमें से एक नाम, बहुत खास है इन नामों का अर्थ। नमस्कार, मैं हूँ सिमरन और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल। हिंदू समाज में ये कहावत बहुत प्रचलित है कि जतो नाम ततो गुण, यानी जैसा व्यक्ति का नाम होगा वैसे ही उसमें गुण भी देखने को मिलेंगे। इसलिए माता पिता अपने बच्चों का नाम सोच समझ कर रखते हैं। अगर आप भी बच्चे के नाम को लेकर सोच विचार कर रहे हैं तो आज हम भगवान कृष्ण के 10 नामों के बारे में आपको बताएंगे। ये नाम मॉडर्न ज़माने के लिए फिट भी होते हैं और भगवान कृष्ण के नाम हैं, इसलिए इनका अर्थ भी बेहद ही सुंदर है। तो आइए जानते हैं कृष्ण भगवान के इन 10 नामों के बारे में। यहाँ बात करते हैं व्यांश की। भगवान कृष्ण का ये सुंदर नाम आप अपने नवजात को दे सकते हैं। इसका अर्थ होता है जीवंत, जीवन से भरा हुआ। अगर आप भी अपने बच्चे का ये नाम रखते हैं तो उसमें भी ऐसे ही गुण देखने को मिलेंगे। इसी के साथ दूसरा नाम है आरिव। आरिव भी कृष्ण जी का एक नाम है और समय के हिसाब से काफ़ी मॉडर्न भी है। इस नाम का अर्थ है बुद्धि और न्याय देने वाला। वहीं भगवान कृष्ण आनंदमय हैं और इसीलिए उनका नाम रसेश भी है। इस नाम का अर्थ है आनंद के स्वामी। ये नाम आप अपने बच्चे को देकर आप उसके जीवन में रस भर सकते हैं। इसके बाद है अद्वैत। ये नाम बेहद ही यूनिक है। मुश्किल से ही आपको इस नाम के बच्चे मिलेंगे। ये भी भगवान कृष्ण का एक नाम है जिसका अर्थ होता है अविभाजित, जो आत्मा और परमात्मा के भेद को जान गया हो, जिसके खंडन ना किए गए हों। इसके बाद है प्रभव। जी हाँ, भगवान कृष्ण के इस नाम का अर्थ है उत्कृष्ट और लोकप्रिय। अच्युत। कृष्ण भगवान का ये नाम भी बेहद ही अच्छा है। अच्युत नाम का अर्थ होता है जिसने कभी भूल ना की हो। इसके बाद आता है सुमेध। माता पिता कृष्ण भगवान का ये नाम भी अपने बच्चों को दे सकते हैं। सुमेध नाम का अर्थ होता है सर्वज्ञानी। जो माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे हर चीज़ का ज्ञान अर्जित करें, वो अपने बच्चों को ये नाम दे सकते हैं। इसके बाद है धर्मज्ञ। भगवान कृष्ण को धर्मज्ञ भी कहा जाता है क्योंकि उनको धर्म का ज्ञान था। आप अपने बच्चों को ये नाम दे सकते हैं। इसका अर्थ है धर्म को जानने वाला। आखिरी नाम आता है सर्वा। ये नाम भी बहुत हटके है। बच्चे को आप ये नाम भी दे सकते हैं। कृष्ण भगवान के इस नाम का अर्थ है उत्तम, जो हर जगह विद्यमान है। इसी के साथ अंतिम नाम है ऋभव। जी हाँ, इस नाम का अर्थ है सूर्य की तरह चमकने वाला। नाम देकर आप अपने बच्चे में भी अच्छे गुण दे सकते हैं। भगवान कृष्ण के इन 10 नामों में से कोई भी नाम आप अपने बच्चे को दे सकते हैं। ये नाम अभी भी बहुत कम प्रचलित हैं, साथ ही ये नाम अर्थपूर्ण भी हैं। भगवान कृष्ण से इनका सीधा संबंध है, इसलिए आपके बच्चे को भी ये नाम रखकर आप भगवान कृष्ण जैसे गुण दे सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी ही और जानकारियों के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल। धन्यवाद।